अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू जिंजर स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं जिंजर स्पोर्ट्स शो और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं तीन चीज़ों के ऊपर स्पेसिफिकली। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि राहुल द्रविड इज गोना बी द नेक्स्ट हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, जिसके ऊपर काफ़ी हद तक कन्फर्मेशन आ चुकी है। अभी ऑफिशियल तो नहीं हुआ बट यही होने जा रहे हैं। और मैंने कहीं भी पढ़ा इज इट अ गुड ऑप्शन और नॉट, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बट ये कैसा सवाल है, मतलब कैसा सवाल है, इसके ऊपर बात करेंगे। वो तो टाइम बताएगा बट अंडर 19 से अगर देखा जाए तो, अगर उसकी परफॉर्मेंस को देखा जाए तो ही इज गोना गेट 100 out of 100। उसके बाद नंबर 2 के ऊपर आपके साथ इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। बाबर आजम एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने पास रखेंगे, इंटरेस्टिंग स्टैट है बाबर आजम का, वो क्या सारा सिनेरियो है वो। और फिर मैथ्यू हेडन अभी क्या कर रहे हैं भाई जान, उसके ऊपर भी बात करने जा रहे हैं। वीडियो के अंत तक लास्ट में देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में लगे बेल आइकन प्रेस करें। स्टार्ट करते अपनी बात का, सबसे पहले बात का आगाज मैथ्यू हेडन से करते हैं, फिर राहुल द्रविड के ऊपर आते हैं। तो मैथ्यू हेडन का जो सिनेरियो है वो कुछ ऐसा है कि मैथ्यू हेडन आईपीएल में, जैसे कि आपको पता है, कमेंट्री भी कर रहे थे और कल उनको देखा गया दुबई क्रिकेट स्टेडियम में ग्राउंड के ऊपर बैठे हुए, और उनके साथ ही सुनील गवास्कर चेयर के ऊपर बैठे हुए थे और वो मैच देख रहे थे और कमेंट्री भी कर रहे थे। कुर्ता उन्होंने पहना हुआ था आईपीएल 2021 की फाइनल के लिए। और कल मैथ्यू हेडन पाकिस्तान टीम को प्रैक्टिस सेशन में ज्वाइन कर लेंगे पाकिस्तान की टीम के साथ। उससे पहले पाकिस्तान टीम आज भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग क्वारंटीन के अंदर ही रहने वाली है। कमिंग टू द सेकेंड थिंग, राहुल द्रविड के बारे में आज सुबह खबर आई, सुबह ही सुबह की मीटिंग के अंदर फैसला कर लिया गया है कि राहुल द्रविड से पूछ लिया गया है कि क्या वो राजी हैं। तो उन्होंने कहा है वो कर लेंगे इंडियन टीम की कोचिंग भी। और अब जो अगले कोच होने जा रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम के आफ्टर द वर्ल्ड T20, आई थिंक सो इज गोना बी राहुल द्रविड। और 99% कंफर्म हो चुका है कि राहुल द्रविड़ ही अगले कोच होंगे। जैसे उन्होंने अंडर 19 क्रिकेट को उठाया है, जैसे आपने पाकिस्तान में भी देखा होगा, पाकिस्तान के पास राहुल द्रविड़ नहीं है, कामरान अकमल ऐसा कुछ कहा था, आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसी बाकी कहते हैं कि राहुल द्रविड़ ने जैसे इंडियन क्रिकेट को स्ट्रक्चर से उठाया, अंडर 19 से प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, एवरी अदर प्लेयर जो कि राहुल द्रविड़ ने अनसंग हीरो रहे, मतलब बिगर पिक्चर पे नहीं आते थे, अपने फ्राइज नीचे से अंजाम देते थे फॉर द बेटरमेंट ऑफ हिज कंट्री इन क्रिकेट। तो ये होता है एक आइकन हमारे यहाँ, एक्स प्लेयर्स को कहेंगे अंडर 19 में नौकरी कर लो, वो करते नहीं हैं। अब मैं नाम नहीं लूँगा बट यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट। किसी को कह दो आप नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आ जाओ, कहेंगे नहीं मैं नेशनल टीम से कम मैं कोचिंग ही नहीं करूँगा, मैं चेयरमैन से कम कोई ओहदा ही नहीं लूँगा, ये तो यहाँ पर हाल है। तो उसके बाद आपको ड्रेविड से सीखना चाहिए कि अंडर 19 पे फोकस करें, अंडर 19 से क्रिकेट को उठाएं। क्यों नहीं आपका नाम होगा, क्यों नहीं आपकी पहचान होगी, होगी ना, जब आप कुछ अच्छा करेंगे अंडर 19 में, आप अंडर 19 से प्लेयर्स लाएंगे। अब राहुल द्रविड़ को बाद में मिली, लेकिन इतनी मिली जितनी एक कोच को नहीं मिली। राहुल द्रविड़ की जो रिस्पेक्ट है भी वो रवि शास्त्री से ज़्यादा है, इवन दो रवि शास्त्री वॉज इंडिया हेड कोच। तो ये यहाँ पर पॉइंट आता है। सेकेंडली और कि लास्टली अब हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी बाबर आजम के बारे में। ICC T20 वर्ल्ड कप अब कुछ ही घंटे दूर है, 24 घंटे के बाद वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। कल पापा न्यू गिनिया और वर्सेस ओमान का मैच होगा, दूसरा मैच बांग्लादेश वर्सेस स्कॉटलैंड का होगा, और दोनों मैच इंटरेस्टिंग होंगे। और स्कॉटलैंड के बांग्लादेश को हराना दे, आयरलैंड तो हरा दिया है, लेट्स सी क्या होता है। बट बाबर आजम यहाँ पर भरपूर तैयार हैं। और एक इंटरेस्टिंग स्टार्ट या रिकॉर्ड जो भी आप इसको खेलें वो ये है कि बाबर आजम ने UAE के अंदर 12 इंटरनेशनल मैचेस जो हैं वो खेले हैं, 11 इंटरनेशनल T20 नेशनल्स खेले हैं, और पाकिस्तान 11 के 11 जीती है 100% एक्यूरेसी, 100% सक्सेस रेट के साथ। यहाँ पर आपको पाकिस्तानी कैप्टन बाबर आजम देखने को मिलते हैं इन UAE, जो कि काफ़ी एक यूनिक किस्म की चीज़ है। और लेट्स होप कि अभी बरकरार है और पाकिस्तान 7 के 7 मैच जीत के वर्ल्ड कप भी जीत जाए। और मेरा एक जो है ना कि कल जो पहला मैच हो रहा है, आज रात से आपके लिए स्पेशल ट्रांसमिशन आ रही होंगी, अभी ये बारह ब्लैक ड्रॉप शेयर ड्रॉप तो हो गया, लेकिन यहाँ पे भी चीज़ें रखेंगे आपके लिए, सेगमेंट्स होंगे स्पेशली कल से, तो उसके लिए आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है। स्निक एंड निक हमारे शो का नाम होगा और वो कि पूरा वर्ल्ड कप चलने वाला है, जैसे कि मैंने कम्युनिटी में भी आपको पोस्ट लगा के अपडेट दे दी थी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में लगे बेल आइकन प्रेस करें। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।